इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कर वसूली विभाग ने आनंद कोलीवाड़ा में 6 इमारतों पर कार्रवाई की है। इन इमारतों में पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स का करीब 6 लाख रुपया बकाया था। मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर के निर्देश पर बालू पीचड़ और भाले राव की टीम ने ये कार्रवाई की है। इन 6 इमारतों में कार्रवाई करते हुए 8 दुकान सील किए गए हैं और 34 पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। 4 पंप रूम सील किए गए हैं और 19 मोटर जब्त किए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने पर 5 घर भी सील किया गया है। मनपा की तरफ से जानकारी दी गई है कि 40 लाख रुपए का इन 6 इमारतों पे बकाया होने के वजह से ये कार्रवाई की गई है। वहीं मनपा की तरफ से ये भी बताया गया है कि मुंब्रा कौसा में अब ये कर वसूली विभाग तेज कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स और ना ही पानी का बिल ज़्यादातर लोगों ने जमा किए हैं। अब उन पर कार्रवाई होगी। मकान दुकान सील किए जाएंगे और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे, मोटर भी जब्त किए जाएंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।